नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा के बारे में। आप देखेंगे डेटा टाइप के अंदर एक ऑप्शन है हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि आप किस तरह से डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को एमएस एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हम किस तरीके से एमएस एक्सेल की फाइल को एक दूसरी फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा गेट डेटा का। गेट डेटा पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की एक्सटेंशन की फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी एम एस एक्सेल की हो, चाहे वो आपकी कोई टेक्स्ट की फाइल हो, चाहे वो आपका एक्सएमएल फॉर्मेट में कोई फाइल हो, जेसन में फाइल हो, या फिर आपका कोई डिफरेंट टाइप का फोल्डर हो। तो इनमें से आप किसी भी तरीके की कोई भी एक्सटेंशन कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे एक्सेस की फाइल को भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सटेंशन को ये सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप्स की एक्सटेंशन से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ डेटा इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पर। फ्रॉम फाइल के अंदर आप देखेंगे फ्रॉम वर्कबुक, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जा करके हमें डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है, यानी जहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी हुई है उस फाइल को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से, इस फाइल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे उस फाइल की तीनों टेबल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी, यानी किस टेबल का डेटा आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट शीट पर आप देखेंगे ये डेटा पड़ा हुआ है आपका, सेकंड शीट पर आपका ये डेटा पड़ा हुआ है, थर्ड शीट पर आपके पास ये डेटा पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए हम फर्स्ट शीट का डेटा इसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली इसे लोड पर क्लिक कर देंगे। आप इसे यहाँ पर लोड भी कर सकते हैं और इसे ट्रांसफॉर्म डेटा पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसे लोड पर क्लिक करेंगे। लोड पर जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारी वो टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है, यानी वो डेटा हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद इसे मैं मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से जाते हैं डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर आप देखेंगे हमारे सामने ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की फाइल है, इसको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। आप देखेंगे यही फाइल थी जो हमारी वहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। तो चलिए इसके बाद और भी मैं कुछ ऑप्शंस के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चले जाइए डेटा टाइप के अंदर, और यहाँ पर आपके देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट CSV का, यानी आप चाहें तो कोई किसी टेक्स्ट फाइल को भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमारे पास दो फाइल है, एक प्रोडक्ट की और एक मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट की फाइल है। तो मैं यहाँ पर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, सिंपली से इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ, और इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे उसके अंदर जो डेटा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट आपके सामने हो जाएगा। इस डेटा को अगर आप एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको लोड पर क्लिक करना होगा। लोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे वो डेटा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट शीट पर ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद और भी ऑप्शंस इसके अंदर है, जिसके अंदर आप वेब के थ्रू कोई डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट का अगर कोई डेटा है वो भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल के अंदर ये फीचर ऐड हो चुका है, जिसके अंदर हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम फ्रॉम वेब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक URL का ऑप्शन आएगा, बेसिक का और एडवांस का। एडवांस के अंदर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन खुद से टाइप करनी होती है, तो हम सिंपली बेसिक यूज करेंगे। बेसिक के अंदर जाने के बाद हम सिंपली यहाँ पर उस URL को पेस्ट कर देंगे जो उस URL का डेटा मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो सिंपली हमने मान लीजिए एक साइट ओपन कर रखी है यहाँ पर कोरोना वायरस की, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चले जाएंगे एक्सेल शीट के अंदर, और एक्सेल शीट के अंदर जाने के बाद सिंपली हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके पर प्रेस करेंगे, ओके पर प्रेस करते ये थोड़ा सा समय लेगा और डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपके सामने एक और विंडो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई है। यहाँ से अगर आप वेब व्यू देखना चाहते हैं तो वेब व्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट का पूरा व्यू यहाँ पर दिखा देगा कि कौन सा डेटा आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। अगर आप टेबल व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली टेबल व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर जिस भी टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस टेबल का पूरा डेटा यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस टेबल को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या टेबल वन को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो जिस भी टेबल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और सिंपली आपको लोड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोड पर क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही है क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, थोड़ा डाउनलोड होने में समय ले रहा है। तो ये पूरा का पूरा डेटा इंटरनेट से कॉपी होगा और आपके एक्सेल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, इस डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा वो डेटा पूरा का पूरा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, इस कंटेंट को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सेल की फाइल को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं और कनेक्शन कर सकते हैं इसका। अब आप देखेंगे हमारे सामने एक और ऑप्शन है रिसेंट सोर्सेज का। इस सोर्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाएगा कि आपने कितनी फाइलों को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, यानी कितनी फाइलों को यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कोरोना वायरस का
हमारे पास डेटा इंपोर्ट है, एग्जांपल वन की शीट इंपोर्ट है, डेटाबेस की शीट इंपोर्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की शीट इंपोर्ट है और टेक्स्ट की फाइल इंपोर्ट यहाँ पर है। तो जितनी भी फाइल्स हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखी होती हैं, पहले भी कर रखी होती हैं या रिसेंट में की होती हैं, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जिटिंग कनेक्शन का यूज़। तो इसके लिए मैं फ्रेशली एक नई शीट ले लेता हूँ। न्यू शीट लेने के बाद मैं चला जाता हूँ डेटा टाइप के अंदर और यहाँ पर एग्जिटिंग कनेक्शन पर क्लिक करता हूँ। एग्जिटिंग कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ब्राउज फॉर मोर का। ब्राउज फॉर मोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल को आप एम एस एक्सेल के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करना है, यानी जहाँ पर भी आपकी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ही फाइल को वापस से सिलेक्ट किया और यहाँ पर ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन है शीट वन शीट टू, यानी किसका डेटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, शीट वन का या शीट टू का। तो हम शीट वन को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके करते हैं। इस फॉर्मेट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस फॉर्मेट को किस फॉर्मेट में इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे टेबल का है, दूसरा पाइवट रिपोर्ट का है, तीसरा पाइवट चार्ट का है, चौथा ओनली क्रिएट कनेक्शन का है। तो यहाँ पर हम सिंपली टेबल को यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटा हो वो टेबल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो, तो हम टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओपन करते ही आप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर इजिली इम्पोर्ट हो चुका है। इस तरीके से और भी अगर किसी फाइल को इम्पोर्ट करना है तो सेम एज इट इज़ डेटा टैब में जा करके, एग्जिटिंग कनेक्शन में जा करके, ब्राउज फॉर मोर को सिलेक्ट करके यहाँ से अपनी फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए डेस्कटॉप पर हमने डेटाबेस के नाम से दूसरी फाइल बनाई हुई है, हमने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर इजिली इसे इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। आपको जो भी चाहिए यानी पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, तो मान लीजिए हम एक बार पाइवट टेबल रिपोर्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने पाइवट टेबल रिपोर्ट प्रेजेंट हो चुकी है। यहाँ पर जिस भी ऑप्शन पर हम टिक मार्क करेंगे वो डेटा यहाँ पर एनालाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को इजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि आप जिस भी डेटा को आप ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम उस ओरिजिनल फाइल के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो क्या इस फाइल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो हम इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की फाइल को हमने यहाँ से ओपन कर लिया, ये इसकी ओरिजिनल फाइल है। इस फाइल के अंदर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इतने डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैंने इस फाइल को यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर हम जाते हैं अपनी ओरिजिनल फाइल के अंदर तो यहाँ पर आप देखेंगे वो फाइल अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो इसको अपडेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक रिफ्रेश नाम का ऑप्शन होगा। इस रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर अपडेट हो चुका है, यानी जो डेटा हमने वहाँ पर डिलीट किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने है क्वेरी एंड कनेक्शन का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्वेरी रिपोर्ट और कनेक्शन यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। जिस डेटा को आपने इंपोर्ट किया है, जिस डेटा को आपने कनेक्ट किया है, वो कनेक्शन यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन है रिफ्रेश एवरी 60 मिनट्स, यानी कि जब भी ओरिजिनल फाइल के अंदर कोई भी डेटा एडिट किया जाएगा तो एवरी 60 मिनट में ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेगा। इसको आपको सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना है। अब आपको कुछ नहीं करना, हर 60 मिनट पर ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेगा, यानी बार बार आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही था हमारा क्वेरी कनेक्शन का ऑप्शन और ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।